हेलो दोस्तों, बिज वॉर के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेज़न की। इस वीडियो में मैं आपको दोनों कंपनीज की हिस्ट्री बताऊंगा, दोनों के बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा, कौन अभी आगे है इंडिया में और क्यों आगे है, और इन दोनों कंपनीज का क्या फ्यूचर स्कोप है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, और हाँ, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लो अभी से और घंटे को दबा दो ताकि आप कोई भी बिज वॉर के एपिसोड मिस ना करो। शुरुआत करते हैं दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। दोनों कंपनीज मार्केट प्लेस के मॉडल पे काम करती हैं, मतलब दूसरे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे बेचते हैं, और फ्लिपकार्ट और अमेज़न जब कोई सेल होती है तो इन कंपनी से एक कमीशन लेते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत लिस्टिंग फीस भी लेते हैं, कन्वीनियंस फीस भी लेते हैं, और क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न नॉर्मली लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी एक फ़ी लेते हैं। फिर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अपने एड्स भी कर सकते हो जिसमें आपके प्रोडक्ट्स ऊपर दिखेंगे, तो उसके लिए भी वो थोड़े और पैसे लेते हैं। और जो सबसे प्रॉफिटेबल तरीका है इन दोनों कंपनीज का कमाने का वो है प्राइवेट लेबल्स, मतलब ये अपने ब्रांड्स बनाकर अपने ही वेबसाइट पे बेचते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेज़न से। अमेज़न की शुरुआत 1998 में जेफ बेजोस ने करी थी। शुरुआत में वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर हुआ करता था, पर आजकल तो अमेज़न सब कुछ बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्रल, ग्रॉसरी इत्यादि। अब अमेज़न और भी बहुत चीज़ों में एक्सपैंड कर चुका है, जैसे अपना खुद का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे किंडल ई बुक रीडर, इको स्मार्ट स्पीकर। फिर वो क्लाउड सर्विसेज में भी आ चुके हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज लाके। उनका फिर अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, प्राइम वीडियो। तो अब अमेज़न सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, पर पूरा एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुका है जो बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स में है। अमेज़न अब इतना बड़ा बन गया है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेट रिटेलर बन गया है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसिडर करें तो। और वो एप्पल के बाद दूसरी कंपनी थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के ऊपर गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बनी तो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। अमेज़न का हेडक्वार्टर सिएटल यूनाइटेड स्टेट्स में है, और वो करीब 5.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनके। पिछले साल अमेज़न का रेवेन्यू करीब $177 बिलियन था, और आज अमेज़न इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अमेज़न को तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी माना जाता है। अमेज़न ने अपनी इंडिया में सर्विसेज 2013 से शुरू करी थी। अब आते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया की ई कॉमर्स कंपनी है, और माना जाता है कि फ्लिपकार्ट के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया में पूरा स्टार्टअप रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें हर तीसरा इंसान अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता है। फ्लिपकार्ट को शुरू किया था IIT ग्रेजुएट्स सचिन बंसल और बिनी बंसल ने, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों फाउंडर्स पहले अमेज़न पे काम करते थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लिपकार्ट ने भी शुरुआत ऑनलाइन बुक्स बेचकर ही करी थी, बिल्कुल अमेज़न की तरह 2007 में। पर अब फ्लिपकार्ट भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपैंड कर चुका है, जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन इत्यादि। फ्लिपकार्ट के अभी 30,000 एम्प्लॉयज हैं, और 2017 में फ्लिपकार्ट ने करीब $2.8 बिलियन कमाया था। अब हम आते हैं कि यार फ्लिपकार्ट ही इंडिया में सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि फ्लिपकार्ट से पहले भी और बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट थी। फ्लिपकार्ट के सक्सेसफुल होने का मेजर कारण था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा था। अब इंडिया में क्या होता था कि लोग डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं चाहते थे, और उस टाइम प्रोडक्ट को घर पे आने के लिए काफ़ी दिन लग जाते थे, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में डिलीवरी हो जाता था। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि यार प्रोडक्ट घर पे आएगा भी या नहीं, तो इसलिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहता था। पर फ्लिपकार्ट ने ये सब पूरा ही चेंज कर दिया कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखकर। पर कैश ऑन डिलीवरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि यार जब प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुँचता है और उनको प्रोडक्ट पसंद आता है तभी उनको पेमेंट मिलती है, और बहुत बार लोगों को अपना प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वो रिफंड के लिए भेज देते हैं। तो इससे ई कॉमर्स वेबसाइट का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो पूरा वेस्ट जाता है। पर फ्लिपकार्ट ने तब भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा, क्योंकि इससे कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ा वेबसाइट पे, और आज भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे लोग कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन प्रेफर करते हैं। मई 2014 को फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा को करीब $280 मिलियन यानी करीब $20 बिलियन में खरीद लिया। फिर 2016 को मिंत्रा ने जबोंग को खरीद लिया $70 मिलियन में। अब मिंत्रा और जबोंग के आने के बाद फ्लिपकार्ट का फैशन सेगमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, और वो फैशन के सेगमेंट में लीडर बन गए।
2017 में eBay ने भी अपना इंडिया का ऑपरेशन फ्लिपकार्ट को बेच दिया और $500 मिलियन इन्वेस्ट करके उनको कुछ स्टेक मिला फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी जब उन्होंने फोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे मोटोरोला और शाओमी के साथ टाई अप किया। अब क्योंकि शाओमी और मोटोरोला मोस्टली ऑनलाइन बेचते हैं तो उनके फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं देन दूसरे कंपनीज जो ऑफलाइन बेचते हैं, क्योंकि उनको रेंट का खर्चा नहीं देना पड़ता और रिटेलर्स को एक परसेंटेज भी नहीं देना पड़ता, तो इसलिए काफी लोग ऑनलाइन मोबाइल खरीदना प्रेफर करने लगे। अक्टूबर 2014 को फ्लिपकार्ट ने पहली बार अपना बिग बिलियन डे लेकर आया। तब करीब 10 घंटे में उन्होंने $100 मिलियन के गुड्स बेचे। उसके बाद से वो हर साल बिग बिलियन डे अपना ऑर्गेनाइज करते हैं और वो हर साल नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं। काफी टाइम तक फ्लिपकार्ट क्लियर लीडर था इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में, पर जब अमेजोन आया इंडिया में तो कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। फिर भी फ्लिपकार्ट लीडर था, पर अचानक 2015 में फ्लिपकार्ट ने मोबाइल से उनके वेबसाइट को एक्सेस करने पे रोक लगा दी और मिंत्रा ने तो अपना वेबसाइट सारे प्लेटफॉर्म से बंद ही कर दिया। उनका मानना था इससे लोग ऐप डाउनलोड करेंगे जिससे फ्लिपकार्ट और उनकी ये सारी कंपनीज ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगी, पर इससे उनका ज्यादा नुकसान हो गया और उनका ट्रैफिक और सेल्स दोनों गिर गए। इससे अमेजोन को एक पुश मिल गया जो उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल था। कंपटीशन और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया जब अमेजोन ने अपना प्राइम सर्विस इंडिया में लॉन्च किया। प्राइम सर्विसेज के कई फायदे हैं। प्राइम सर्विस का कॉस्ट करीब ₹1000 लगता है साल का, पर उससे आपको फ्री वन डे या टू डे डिलीवरी मिलती है। फिर जो डील्स आती हैं उसमें आपको अर्ली एक्सेस मिलता है और आपको वीडियो स्ट्रीमिंग जिसमें आप मूवीज वेब सीरीज ये सब देख सकते हो वो भी एक्सेस मिलता है। अब अमेजोन ने अपना प्राइम म्यूजिक भी लॉन्च कर दिया है, तो अमेजोन प्राइम सर्विसेज तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है और जो भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं अमेजोन वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि यार वो प्राइम सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेजोन में जितनी सेल होती है उसके 30% कस्टमर्स प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं। इससे कम्पीट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है, पर अभी उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है। अमेजोन के पास जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि अमेजोन अपने में इतनी सक्सेसफुल कंपनी है तो वो आराम से उनके पास इतना पैसा है कि वो इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अमेजोन 20 साल से ई कॉमर्स बिजनेस में है तो उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इन सब लॉजिस्टिक्स इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपना एक्सपीरियंस इंडिया में अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, क्योंकि अभी भी बहुत कम लोग ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, तो दोनों अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बहुत ज़्यादा सेल्स और डिस्काउंट करना पड़ता है ताकि लोग ऑनलाइन आके प्रोडक्ट्स खरीदें। फिर लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो इसमें अमेजोन को तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर फ्लिपकार्ट को हमेशा कोई इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यार हर एक दो साल में इन्वेस्टमेंट उठाना मतलब आपका बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्टर्स को प्रूव करने में लग जाता है कि हाँ भाई हमारा मॉडल फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल होगा। पर मई 2018 को इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया जब US के रिटेलर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक खरीद लिया $16 बिलियन में। एक्चुअली क्या था कि अमेजोन इंडिया फ्लिपकार्ट को खरीदना चाहती थी, पर अच्छी बात है कि वॉलमार्ट ने खरीद लिया। वॉलमार्ट एक ऑफलाइन रिटेलर है जबकि अमेजोन ऑनलाइन रिटेलर है, तो दोनों के बीच में US में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अगर अमेजोन खरीद लेती फ्लिपकार्ट को तो उनका पूरा कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता, जिससे कंज्यूमर्स को बहुत दिक्कत होती। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट को कोई पैसों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वॉलमार्ट के पास बहुत पैसा है और वो अच्छे से अमेजोन के साथ कम्पीट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट को और भी डिफरेंट चीज़ों में हेल्प मिलेगी वॉलमार्ट से, जैसे कि ऑफलाइन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बेटर करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वॉलमार्ट उसमें तो प्रो है। अब आते हैं दोनों के मार्केट शेयर में। अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम सिर्फ अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट को कंपेयर करें तो दोनों बराबरी का टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। दोनों के पास अर्ली 30s यानी 31% 32% ऐसा मार्केट शेयर है, पर अगर आप फ्लिपकार्ट के साथ मिंत्रा और जबोंग का मार्केट शेयर भी ऐड कर दो तो फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर अराउंड 40% है। तो फ्लिपकार्ट के साथ जब आप जबोंग और मिंत्रा को ऐड कर देते हो तो फ्लिपकार्ट क्लियर मार्केट लीडर बन जाता है। और फ्लिपकार्ट का क्लियर मार्केट रीजन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि फैशन में फ्लिपकार्ट बहुत ही ज्यादा आगे है, जैसे कि मैंने पहले बताया मिंत्रा और जबोंग की वजह से।
स्मार्टफोन सेल्स में तो Amazon और Flipkart ऑलमोस्ट इक्वली हैं, पर ग्रॉसरी और FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में Amazon Flipkart के बहुत ज़्यादा आगे हैं, और Amazon ने इसके लिए अपना Amazon पैंट्री भी लॉन्च किया है। पर अभी ग्रॉसरी के सेल्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही ग्रॉसरी के सेल्स होते हैं, और उसमें Amazon पैंट्री को कॉम्पिटिशन मिलता है ग्रोफर्स और बिग बास्केट से भी। अगर आप अकेले Flipkart को Amazon के साथ कंपेयर करो, नॉर्मली Amazon ऊपर होता है Flipkart के, जैसे आप ऐप डाउनलोड्स देख लो या वेबसाइट विजिट्स देख लो। पर क्योंकि Flipkart के पास Jabong और Myntra है, तो इन तीनों को जब आप मिला देते हो तब Flipkart आराम से मार्केट लीडर बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था Flipkart का कि उन्होंने Myntra और Jabong को खरीद लिया, इसीलिए वो आज मार्केट लीडर्स बन पाए हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कंपनीज अभी भी बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं, तो प्रॉफिटेबल होने के लिए दोनों कंपनीज अब प्राइवेट लेबल्स पे फोकस कर रही है, क्योंकि प्राइवेट लेबल्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो Flipkart के अपने प्राइवेट लेबल्स हैं जैसे बिलियन, और उनका अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और प्राइवेट लेबल है मार्क्यू। Myntra के भी अपने प्राइवेट लेबल्स हैं जैसे रोडस्टर, और Amazon के भी ऐसे ही अपने प्राइवेट लेबल्स हैं जैसे Amazon Basics, जिसमें वो हेडफोन से लेके स्टेशनरी तक बेचते हैं। फिर उनका है Solimo, जिसमें वो ड्राई फ्रूट्स, बेडशीट्स इत्यादि बेचते हैं। Mikes, जो कि एक वुमेन्स एथनिक ब्रांड है, और फिर Symbol, जो कि एक मेन्स क्लोथिंग ब्रांड है। अब प्राइवेट लेबल्स नॉर्मल ब्रांड से सस्ते होते हैं, क्योंकि यार एक तो वो सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको रिटेलर्स को पैसे नहीं देना पड़ता, उनको पूरा रिटेल स्टोर मेंटेन नहीं करना पड़ता, और वो एडवर्टाइजिंग भी कम ही करते हैं, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स सिर्फ उनके स्पेसिफिक Flipkart या Amazon पे ही मिलते हैं। पर ये ज़्यादा सस्ते होते हैं, और क्योंकि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, तो लोग प्राइवेट लेबल्स भी काफ़ी खरीदना पसंद करते हैं। एडवांटेज ये है कि प्राइवेट लेबल में सारा पैसा ये ई कॉमर्स वेबसाइट ही कमाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान ये प्राइवेट लेबल से ही खरीदें। 2017 में Flipkart का करीब 16 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था, जबकि Amazon इंडिया का उससे 3 गुना ज़्यादा 48 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था। इंडिया में और भी कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे तीसरे पोजीशन के लिए पेटीएम मॉल, जिसको अलीबाबा ने फंड किया है, और शॉपक्लूज जो भी एक यूनिकॉर्न है, दोनों लड़ रहे हैं। और पांचवे पोजीशन में है स्नैपडील। स्नैपडील के बारे में मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि स्नैपडील क्यों इंडिया में फेल हुआ, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। नॉर्मली सारी ई कॉमर्स वेबसाइट अभी लॉस पे हैं, क्योंकि वो अभी ग्रोथ फेज में हैं, और इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया में अभी सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं चाइना के बाद, और अभी इंडिया में करीब 460 मिलियन यूजर्स हैं, पर इंडिया का सिर्फ 40% पॉपुलेशन ही इंटरनेट यूज करता है, तो अभी इंटरनेट का भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ई कॉमर्स का पोटेंशियल देखें, तो इंडिया में सिर्फ 28% लोगों ने ई कॉमर्स यूज किया है, जबकि USA में 84% और फ्रांस में 81% लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं। तो इससे आपको पता ही चल ही गया होगा कि ई कॉमर्स का कितना ज़्यादा पोटेंशियल इंडिया में है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। आप पुराने बिजवॉर के एपिसोड 1 मुकेश अंबानी वर्सेज अनिल अंबानी, और एपिसोड 2 मुकेश अंबानी वर्सेज रतन टाटा भी ज़रूर देखना, क्योंकि उन वीडियोज को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नीचे कमेंट करो कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। क्या आप चाहते हैं कि मैं डेली या वीकली स्टार्टअप न्यूज़ और फंडिंग रिपोर्ट के बारे में वीडियो बनाऊं? और क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस रिवील करूं और एक Q&A का वीडियो बनाऊं? तो ये सब भी आप नीचे कमेंट करना। घंटे को याद से दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।